एक केवल दक्षिण मुखी हो, दक्षिण वाला फेस हो, दक्षिण की तरफ अगर मार्ग हो तो वो अच्छा नहीं बोला गया है। अगर हमने दक्षिण से ये कर दिया, दो तरफ मार्ग है, एक दक्षिण और एक पूरब, ये प्लॉट बहुत अच्छा होता है। ये प्लॉट मेरे प्रैक्टिकली देखे में है, ये प्लॉट बहुत अच्छा होता है। आप लोगों को एक अच्छा लगता होगा ईस्ट फेसिंग, ईस्ट की तरफ अगर ईस्ट के तरफ अगर गेट हो तो वो बहुत अच्छा होता है। दो तरफ गेट निकालना हो तो आप ईस्ट की तरफ निकालेंगे, कतई मत करिएगा। मेरे 10-12 प्लॉट, 15 प्लॉट का अनुभव है, बल्कि उससे ज्यादा ही, कि जहां पर दक्षिण फेसिंग है, जब तक ये पूरा प्लॉट, ये मकान बना हुआ मकान, जब तक ये दक्षिण फेसिंग था तो वो पूरा जो पूरी बिल्डिंग है, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल जो बिल्डिंग है, चार मंजिल, वो पूरी बिल्डिंग कमा के देती थी। जब से उन्होंने केवल एक आधे को बैंक पे रेंट दे दिया, उसका तो दक्षिण फेसिंग है, और उन्होंने पूरी बिल्डिंग का जो गेट है ना वो ईस्ट से निकाल दिया, तो दोनों तरफ गेट हो गया उसका। जबकि ये वाला, ये तो उनका बहुत अच्छा है, बहुत ठीक ठाक अच्छे तरीके का है, और ये जो ईस्ट वाला गेट जो उन्होंने निकाला, इसलिए वो पूरी बिल्डिंग घिरी पड़ी है, उससे इनकम नहीं आ रहा। मेरे क्लाइंट हैं, इसको हमने चेंज भी कराया और भी इसमें कुछ कुछ काम हुए हैं, और अब देखिए उसका रिजल्ट जो आगे आना है, ये फिर टेक्निक पैदा कर देता है। इसलिए आप हमेशा ये मत समझिए ईस्ट फेसिंग है तो उससे ज्यादा बेटर होगा, अगर कभी ऐसे में है। और इसलिए मैं कहता हूं कि वैदिक जो दिया हुआ है ना, तो इन लोगों ने बहुत सारे अनुभव लिए होंगे तब जाके दिया। अगर ऐसा दो मार्ग हो एक प्लॉट में, साउथ और ईस्ट से रास्ता जाता हो, तो साउथ की तरफ एक मार्ग, साउथ की तरफ जो मार्ग है वो ज्यादा अच्छा होता है प्लॉट का। व्यापार के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता है, वैसे भी बहुत अच्छा होता है। एक मार्ग है ये, तीन मार्ग वाला, साउथ वाला लेते हैं अब हम, मार्ग एक ही है साउथ, ये भी व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लोहे का व्यापार हो, फैक्ट्री हो, फैक्ट्री जो लेते हैं हम, फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग वाली फैक्ट्री हो, उस टाइप के व्यापार में ये वाला प्लॉट बहुत अच्छा होता है, जो साउथ में तीन मार्ग लेकर जाता हो, मार्ग एक ही है। एक साउथ का ये भी आएगा, ये पश्चिम और दक्षिण वाला, इसमें जब साउथ खुलता है ये एवरेज है। एक है चारों तरफ मार्ग हो, जैसे उधर बताया, और दक्षिण फेस में हो। जो पुराने शास्त्र हैं उसमें बताया गया है कि यहां पर चाय की दुकान बहुत अच्छी बनती है, चाय की दुकान बहुत अच्छी चलती है। अब आप ऐसे समझ लो, यहां पर रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बनता है। रेस्टोरेंट का व्यापार अगर चारों तरफ से मार्ग हो, या आप किसी भी रेस्टोरेंट को चारों तरफ से खोल दो और दक्षिण में आप मेन गेट बना लो रेस्टोरेंट का, चारों तरफ से आप उसको घेरे रखो बाउंड्री से, वो रेस्टोरेंट अपने आप चलने लगेगा। जलपान की दुकान जो है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से चलती है यहां पर, बहुत अच्छी तरीके, उम्दा तरीके से चलती है। ये चारों तरफ जो ऐसे मार्ग विचार, इस पे आप रेजिडेंशियल नहीं रख सकते, जहां पर रेजिडेंस जैसे नॉर्थ में था ना, चारों तरफ से हो और नॉर्थ में खुला हुआ हो, तो वहां रेजिडेंस भी रख लो, वहां पर और भी ये सारी चीजें रख लो, तो ये हम नहीं रख सकते वहां पर। यहां पर व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, वो भी जलपान से संबंधित। आजकल जितने फास्ट फूड और ये जो होते हैं ना, जस्ट बना के दे देते हैं, उससे संबंधित। आप चाय वाले को समझिए ना, चाय वाले का नेचर क्या है, वो नेचर ऑफ बिजनेस जो होता है ना किसी चाय वाले की दुकान का, उस नेचर ऑफ बिजनेस पे जाइए, वो हर तरीके का चल सकता है जितना भी है। साउथ का हो गया, अब हम ईस्ट पे चलते हैं। ईस्ट वाली अगर केवल एक हो तो ईस्ट वाला ये मार्ग बहुत अच्छा होता है, ये हमने पहले इसमें कर लिया है चर्चा। एक है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में भी हो और ईस्ट में भी हो, ये भी अच्छा होता है। ये जो मार्ग होता है, ये प्लॉट का प्लॉट, इस टाइप का प्लॉट, ये भी प्लॉट अच्छा होता है, ये गुड है और ये भी गुड है। इसी को अगर हम तीसरे तरफ ले लेते हैं, तीन तरफ हो ऐसे और ईस्ट में गेट हो, तो ये एवरेज है। ये तीन तरफ हो, साउथ में भी हो, ईस्ट में भी हो, नॉर्थ में भी हो और ईस्ट में गेट है। अगर मेन मार्ग अगर हम रखते हैं, एक मार्ग रखते हैं, वो ईस्ट में रखते हैं,
तो ये एवरेज गुड है, एवरेज से अच्छा है, गुड नहीं है, एवरेज से अच्छा होता है। एक मार्ग विचार ऐसे है, अगर इसमें ईस्ट में हो, साउथ में और ईस्ट में, अगर केवल ईस्ट में हो तो ये आदमी बहुत परेशान होता है। अगर साउथ में ईस्ट में, मैंने साउथ वाले में भी बताया था, केवल ईस्ट में अगर मकान हो, मार्ग हो किसी प्लॉट का, और साउथ में भी हो, और हमने ईस्ट में खोल रखा है उसको आने जाने के लिए और साउथ बंद कर रखा है, तो वो अच्छा नहीं होता है, वहां के आदमी परेशान रहते हैं। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी है। ईस्ट में एक रह गया आपका, चारों तरफ रास्ता हो और ईस्ट में मार्ग हो एक, तो ये सोशल कनेक्टिविटी के लिए, सोशल एसोसिएशन के लिए, और दूसरे से जुड़ने के लिए, समाज को बुलाने के लिए, समाज को लाने के लिए इतना अच्छा प्लॉट होता है। अगर आपका किसी तरह से राजनीति में आपका क्लाइंट हो और वो ये प्लॉट लेने जाए, तो आपको उस पर बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, उसका काम अपने आप ही चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखिए, कोई राजनीति वाले को जब आप दिलवाते हैं कोई प्लॉट, अगर आपको, मेरे भी हैं कई मित्र के, कई क्लाइंट हैं जो इस टाइप का अगर कभी कहते हैं और मैं जाता हूं, तो मैं देखकर यही करता हूं कि इतना बड़ा प्लॉट हो, अगर ईस्ट फेसिंग है तो थोड़ा बड़ा प्लॉट हो कि चारों तरफ इसके रास्ते निकाल दें, छोड़ दें, पिसाद क्षेत्र को छोड़ देंगे, अपने आप ही ये मामला हो जाएगा सेट। वेस्ट में ये जो हमने दिया है, पश्चिम में एक मार्ग, ये एवरेज बोला गया। अगर वेस्ट में दो मार्ग हो, एक वेस्ट में है और नॉर्थ में है, मगर मार्ग एक ही है वेस्ट में, दो तरफ घर के दो तरफ मार्ग हो, प्लॉट के दो तरफ मार्ग हो और मेन एंट्रेंस वेस्ट से है, ये अच्छा है, अच्छा है। मगर जो एवरेज का जो पहले टीका लगा हुआ है ना इस पे, इसलिए ये अच्छा होते हुए भी अच्छा नहीं होता है। यहां रहने वाला आदमी समृद्ध होता है, खुशहाल होता है, आपको ऊपर से दिखेगा सारा कुछ अच्छा है इसका, अंदर से जब उसमें घुसेंगे तो जितना बड़ा उसका ये होता है उतनी बड़ी खाई भी होती है उसके पास। खाई में इतना वो घुसा ही हुआ होता है और थोड़ा सा खाई से ज्यादा होता है उसकी, ओवरऑल उसका औकात निकालेंगे ना तो वो उतने लोन में भी होता है, जरा से ऊपर होता है उससे, समृद्ध होता है, ठीक होता है इस तरह का, मगर ज्यादा तरक्की नहीं करता हुआ होता है। आप ये समझे कि इसमें तरक्की बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे आप इसमें किसी भी दिशा में कैसे भी सेट कर लो, आपको ये चीजें मिल ही जाएंगी देखने। इसी में तीन तरह का मार्ग है और ये इधर है, तीन तरफ का मार्ग है और ये इधर है, इसको एवरेज बोला गया। एवरेज प्लस ले लो आप, बुरा नहीं है, एवरेज प्लस ले लो। अब वेस्ट में है और दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, ये भी एवरेज प्लस है, गुड समझ लो, ये गुड है। वेस्ट में है, जैसे ईस्ट में था ना खराब, ऐसी वेस्ट में खराब नहीं होता है, साउथ और वेस्ट में होना। इधर भी अगर दक्षिण की तरफ हो, दक्षिण के साथ अगर कोई भी, साउथ के साथ कोई भी दूसरा मार्ग बने, तो वहां साउथ पे आप मेन एंट्रेंस डालिए, ये व्यापार के लिए बहुत अच्छी होती है जमीन। आप साउथ में फिर वेस्ट में लोगे, दोनों तरफ आप मार्ग खोल दो, ये भी बहुत अच्छा होता है। प्लॉट अगर मिले तो दोनों तरफ मार्ग के लिए आप व्यवस्था करो, और अगर एक ही करनी है व्यवस्था, मेन गेट रखना है, तो आप दक्षिण की तरफ रखो, ये इससे, इससे, इन दोनों से अच्छा होता है। साउथ और नॉर्थ वाले में जहां पर मिले तो वो प्लॉट ही बहुत अच्छा नहीं होता, साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ जहां पर मार्ग खुले और कोई मार्ग ना हो तो वो प्लॉट ही बहुत अच्छा नहीं होता है, उसमें आप नॉर्थ की तरफ खुलिए, और साउथ और किसी दिशा में अगर संलग्न मिले तो आप इसमें खोलिए साउथ में। वेस्ट में, साउथ में हो गया, इसी तरह से ईस्ट में आप ले लो, ये भी एवरेज भूमि है। वेस्ट को अगर चारों तरफ से आप ऐसे ले लो और वेस्ट में मार्ग हो तो ये बहुत अच्छा होता है, घर में समृद्धि लाता है, बहुत अच्छा प्लॉट होता है ये आपको नीचे नहीं जाने देगा। आंख बंद करके ऐसे अगर प्लॉट पे कोई मकान बना ले तो वो उसको नीचे नहीं जाने देता, जिस स्थिति से जाता है उस स्थिति से आपको दिन दुनी रात चौगुनी तो नॉर्थ की तरह नहीं कराता, नॉर्थ वाला दिन दुनी रात चौगुनी कराता है, इसकी तरह से एक दो तीन चार क्रम से आदमी बढ़ता ही जाता है, जैसे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ है, तो जीवन के लास्ट टाइम तक वो यही देखेगा कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ कहीं पर खड़ा हो रहा हूं, कुछ आगे खड़ा हो रहा हूं अपने जीवन से। ये हो गए आपके ये वाले उपाय विचार। एक प्लॉट है इसी में,
जो है ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ। जैसे नॉर्थ और साउथ की तरफ का प्लॉट खराब होता था, ऐसी ईस्ट और वेस्ट की तरफ का प्लॉट अच्छा होता।